So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. Thumbnail aap logon ne dekh liya hoga. Before jumping into the content of the video, I would like to start with the story today. And ये जो story है ये एक ऐसे इंसान की है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है. ये एक story है उस छोटे से बच्चे की जो रामेश्वरम के एक गांव में पैदा हुआ, जिसने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा. बचपन बीता गरीबी में, बचपन बीता अखबार बेच के, जैसे तैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज किया. मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इस बच्चे को, और ये बचपन से ही चाहता था सितारों तक पहुंचना, फाइटर पायलट बनना. एनडीए में सिलेक्शन भी हुआ, एनडीए का पेपर दिया, उसके बाद एसएसबी में गए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में गए, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया. तो क्या हुआ, बचपन का सपना बिल्कुल चूर चूर हो गया. जिस बच्चे ने एक पैदा होते ऑलमोस्ट पैदा होने के कुछ ही सालों के बाद अपने आप को सितारों के बीच में देखा था, वो सपना एकदम से शैटर, खत्म. उनके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में डर बैठ गया कि कैसे वो अपने आप को फेस करेगा, कैसे उस दुनिया को फेस करेगा, कैसे अपने माँ बाप को बताएगा दैट वो सिलेक्ट नहीं हो पाया. इतना डर बैठ गया कि उन्होंने सोचा कि अब इस जीवन का कोई काम नहीं है, माई लाइफ इज नाउ यूजलेस. इतना डर बैठ गया. बट उन्होंने उस फियर को ओवरकम किया. एंड देन आगे चल के हम सब जानते हैं हमें कौन मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. हमें कौन मिला, हमारा पीपल्स प्रेसिडेंट. हमें कौन मिले, हमारे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स दैट द कंट्री हैव. यस, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम. उनकी लाइफ में अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा दैट ही ओवरकेम विद अ लॉ ऑफ फियर्स. बहुत सारे डर्स थे जिनको पार करके वो आगे निकले. एंड ये तो सिर्फ एक स्टोरी है फियर्स को ओवरकम करने की. देर आर अ नंबर ऑफ स्टोरीज जिसमें हमें समझ में आएगा कि बिना डर को क्रॉस करे हम आगे नहीं बढ़ सकते. डर के आगे जीत हम सबने सुना होता है, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो टुडे गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट सम ऑफ द फियर्स दैट यू गाइज हैव रिगार्डिंग द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. उन फियर्स को कैसे ओवरकम करना है मैं आपको वो बताऊंगा. हाउ यू कैन ओवरकम ऑल दोज फियर्स आई एम गोना टेल यू दैट. और बहुत बेसिक बातें हैं. वी ऑल नो दिस, वी ऑल नो दैट डर के आगे जीत है, बट वी नेवर अप्लाई दिस. सो लेट्स बिगिन विद इट. एंड आई एम ऑल्सो गोना टेल यू दैट हाउ द प्रीवियस आरबीआई ग्रेड बी टॉपर्स ओवरकेम ऑल दीज फियर्स. नंबर वन जो फियर मुझे लगता है, नंबर वन फियर दैट आई फील दैट यू गाइस हैव इज दैट बीइंग फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. आई ऑलमोस्ट एवरी डे आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम वन और टू ऑफ यू दैट सर आई एम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, इट विल डेफिनेटली बी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. माई डियर फ्रेंड, इट इज नथिंग टू वरी अबाउट इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट. वाई, लेट मी टेल यू दैट. आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस पकड़ लो. वॉट इज द फेज वन सिलेबस? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. नथिंग टू डू विद द कॉमर्स बैकग्राउंड, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. फेज टू पे आ जाओ, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. इंडियन इकोनॉमी की बात करिए, इट इज नॉट इवन द कोर इकोनॉमिक्स. इट इज नॉट द कोर इकोनॉमिक्स, इट इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, राइट? एंड द सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, पॉपुलेशन, नथिंग मोर देन दैट. दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन. आप सबने हेल्थ के बारे में पढ़ा है, हेल्थ इश्यूज के बारे में हमारे देश के, जेंडर इश्यूज, पॉपुलेशन इश्यूज. सिमिलरली अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी, तो बेसिक चीजें आपको पढ़नी होती है लाइक इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, राइट? सो देयर इज नथिंग टू डू विद द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. एंड एफएम, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करो, तो अगर आप सब्जेक्ट, इफ यू गो टू द सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस ऑफ आरबीआई, व्हाट इज रिटन एट द हेडिंग? जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सो इफ दे आर, दे हैव रिटन देमसेल्फ जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, विच मीन्स दे आर गोइंग टू आस्क वेरी जनरल क्वेश्चंस विच वुड बी कॉमन फॉर ऑल, जो कि हर कोई कर सकता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो. एंड ट्रस्ट मी, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो आप उसको भरोसा रखो, बिकॉज आई एम टेलिंग विद माई ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम बींग एन एस्पिरेंट एंड नाउ अ टीचर, ठीक है? और आप देख लो, एवरी ईयर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, एवरी ईयर मोस्ट ऑफ द पीपल हु क्लियर दिस एग्जामिनेशन आर इंजीनियर्स. सी दिस गाय अक्की राजू, ये भी इंजीनियर थे, कैसे एग्जाम निकाल ले रहे हो? इनका तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, राइट? निधि यादव, शी वॉज ऑल्सो नॉन फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, उनका भी कैसे निकला?
सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर हु आर क्लियर इन दिस एग्जामिनेशन इंजीनियर्स. अब इसका मतलब ये भी नहीं है दैट इंजीनियर्स को कोई फायदा मिलेगा, वो तो हमारे देश में इंजीनियर्स इतने सारे हैं इसलिए, ठीक है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज कॉमर्स की किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना. लुक एट द सिलेबस, लुक एट द सिलेबस, लुक टुवर्ड्स द सॉल्यूशन विद द यू नो ऑब्जेक्टिविटी की तरीके से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है. फियर नंबर टू जो कि मैंने अक्सर देखा है लोगों में रिगार्डिंग इज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स. सी हाउ यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दिस. टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू द करंट अफेयर्स. Today I am here to you know aapke jitne bhi to vanish all your fears that are there. So vast current affairs hai. So kya sirf aapke liye hai? Is it only for you? It is for everyone. No, it is for everyone. And current affairs is you know is one of the major part of RBI Grade B examination. In phase 1 40% paper, in phase 2 ESI objective complete. So मैं आपको अगर करंट अफेयर्स की वेटेज के बारे में बोलूं तो जितना आपको एफएम नहीं पढ़ना उतना उससे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है. राइट, यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स मोर देन यू हैव टू स्टडी एफएम, देन स्टडी यू नो ईएसआई, क्वांट रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज को पढ़ना है तो दैट इज करंट अफेयर्स. राइट, तीनों मैगजीन्स आपको पढ़नी है. कैसे पढ़नी है मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ. रिवाइज करते रहो, कंटिन्यूअसली रिवाइज करो. यू हैव 3 मैगजीन्स टू स्टडी, स्पॉटलाइट, पीआईबी 247 एंड आरबीआई 247. Continuously revise them, and you know you have to make current affairs a part of your life. See this girl, Nidhi Yadav. See this girl. When Anuj sir took her interview mein unhone apne bataya tha that she used to listen to the current affairs whenever she was not able to watch the video. She used to listen to the current affairs while in the office, while traveling, while cooking, while eating, going before going to sleep. Right, so you have to make current affairs a part of your life. Only then you would be able to do the vast current affairs. It is vast, but you have to do it. No, vast है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा ही. तो vast है तो करेंगे कैसे? Revision, give it more time. ठीक है, आगे चलते हैं. देखो यार ऐसा है ना कि अगेन वही है, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बोली थी कि आरबीआई को तो 200 लोग ही चाहिए और वो 200 मिल जाएंगे जो vast current affairs पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, आगे चलते हैं. फियर नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. दिस इज वन ऑफ द मेजर फियर अमंग ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. यू नो ये फियर क्यों है ये मैं भी बता देता हूँ. व्हाई दिस फियर इज दिस, बिकॉज यू आर नॉट स्टार्ट टू राइटिंग, बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग, दैट इज व्हाई दैट फियर इज देयर. देखो अब क्या होता है, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें डर लगता है कि यार नहीं गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हो जाएगा वो हो जाएगा. बट हम कब सीख पाते हैं? जब हम उसको ट्राई करते हैं. तो एक बार ट्राई तो करो ना यार. पहले से अगर आपको ये लगता है कि आप पहले दिन ही एकदम शेक्सपियर बन जाओगे, यू विल बी अ शेक्सपियर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ राइटिंग द आंसर, देन ऑफ कोर्स यू आर जस्ट यू नो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फियर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग द आंसर प्रैक्टिस. वंस आई कैन गारंटी यू, once you start writing the answer, it will definitely improve. Definitely वो improve करेगा ही करेगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि improve ना करे. हम पहले से ही सोच लेते हैं कि यार हमसे तो ना हो पाएगा ये. Let us leave it and let us leave this examination. Let's try for something else. ऐसा क्यों करना है यार? Why to do this? कोई अपने माँ के पेट से सीख के थोड़ा आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. सब तो इसी दुनिया में आके सीखते हैं ना. तो why can't you? Why are you under the clouds of fear of descriptive writing? ऐसा क्यों है? So there is only one way to overcome this fear. Start writing it today. आज से लिखना शुरू करो. और बहुत ही गंदा आंसर लिखोगे, बहुत ही ज्यादा बुरा आंसर होगा लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करेगा. डेफिनेटली मार्क माई वर्ड्स. ठीक है, एक बार करके देखो. फियर नंबर 4. अच्छा ये भी लगता है लोगों को कि भाई हमारा तो कॉम्पिटिशन है यूपीएससी के स्टूडेंट से तो हम तो नहीं कर पाएंगे. यार देखो ऐसा है कि यूपीएससी ठीक है, दैट्स अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, आई एग्री. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपीएससी के स्टूडेंट को एज मिली हुई है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. वाई दस यूपीएससी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी एज ओवर दी आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट. वाई, लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज यूपीएससी करंट अफेयर्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम दोस फ्रॉम द करंट अफेयर्स विच यू हैव टू स्टडी फॉर आरबीआई. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दे नेवर स्टडी इन यूपीएससी
ठीक है, तो वो उनको यहाँ पे आगे पढ़ना ही पड़ेगा. इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ओके आई अग्री दैट दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल इन ईएसआई ऑब्जेक्टिव, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, राइट, एंड दैट टू डीपर क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स विच दे हैव नेवर स्टडीड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम. तो वहां पे भी डिफरेंस क्रिएट हुआ. द ओनली एडवांटेज दैट दे हैव इफ दे आर अ सीरियस यूपीएससी स्टूडेंट और एस्पिरेंट और कैंडिडेट दैट दे आर वेरी गुड इन आंसर राइटिंग. बिकॉज अब ऐसा भी क्यों है कि ये यूपीएससी वाले अच्छे क्यों होते हैं आंसर राइटिंग में, बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस्ड इट. तो इफ यू आर रेडी टू प्रैक्टिस इट देन यू विल ऑल्सो बी, आई एम सॉरी गाइस, दिल्ली का पोल्यूशन एज यूजुअल. तो इफ यू आर रेडी टू प्रैक्टिस, if you are ready to practice more and more the answer writing, then you will be at par with the UPSC student. तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना. अब कुछ लोग झंडा लेके चलते हैं कि जो मुकाबला है वो बराबर वालों से होना चाहिए. तो भाई आप अपने आप को कम क्यों समझते हो, पहली चीज तो ये है, आप अपने आप को कम क्यों समझते हो? Why do you guys think yourself that you are, you know, आप किसी से कम हो? Why thinking like that? So see this person, इस आदमी को देखो भाई. जब इनका आरबीआई का, जब आरबीआई का पेपर होने वाला था, इनकी 3 महीने की बच्ची थी. He had a 3 months old daughter, right? When the notification came, so he had to manage that as well. He was working aspirant and with no UPSC background. तो भाई जब ये कर सकते हैं तो why can't you? So all you have to do, guys, is overcome all your fear. एक बार जब आपका fear खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई problem नहीं होगी. अच्छा, आखिरी fear जो मुझे लगता है जो आप में से कई लोगों के अंदर है, भाई आरबीआई जो है वैकेंसी बहुत कम निकालता है. तो भाई नंबर ऑफ फॉर्म्स भी तो कम आते हैं ना आरबीआई में. इफ यूपीएससी रिलीजेस 600 नोटिफिकेशन एंड देन देयर आर 10 लाख फॉर्म्स, देन आरबीआई रिलीजेस 200 वैकेंसीज, देन देयर आर 180,000 और 190,000 फॉर्म्स. द रेशियो इज सेम एंड यू ओनली नीड वन वैकेंसी. यू डोंट नीड 200 और 300 और 500. यू ओनली नीड वन वैकेंसी. दैट कॉन्फिडेंस should be there. अगर वो confidence होता है ना, तभी आप जाओ पेपर देने के लिए, और तभी निकलता है, otherwise निकलता भी नहीं है. If you have that confidence that I just need only one seat and I do not care about the rest 199 seats, then only you will be able to clear this examination or any other examination of this country. उसके बिना नहीं होगा. So less number of vacancies है, ये बहाना देना बंद करो and just इस अपने डर से बाहर निकलो. ऐसा कुछ भी नहीं है that there are less number of vacancies. जितनी है ठीक है, सबके लिए है ना भाई. वो 200 भी जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना, वो कैसे हो रहे हैं? अपने फियर्स को ओवरकम करके, राइट. एंड अपने फियर्स को ओवरकम करने का जो बेस्ट तरीका होता है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैं ये बोलूंगा कि दैट यू शुड हैव, यू नो, यू शुड हैव अ गाइडिंग, राइट गाइडिंग मेंटर एंड विच यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू आर कोर्स. ठीक है, सो दीज वर द, यू नो, फियर्स विच यू हैव टू ओवरकम, विच ऑलमोस्ट एवरी आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हैज. Now talking about the mentorship session, so I will be starting 2 mentorship sessions per month from the month of November, जिसमें मैं सारे problems जो हैं आप लोगों की, वो हम try करेंगे, try नहीं करेंगे, उसको definitely solve करेंगे, right? And if you want to have the access to these mentorship sessions, you can join this course RBI Grade B 2024. The live classes are already being started. जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, डोंट यू वरी. फॉर मोर डिटेल्स यू गाइस कैन कॉल ऑन दिस नंबर, 9999466225. एंड टू ओवरकम ऑल योर फियर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट यू नीड इज अ राइट मेंटर. ठीक है जी, तो ये था आज की वीडियो का मुद्दा. मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में और अगली किसी मुद्दे के साथ. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप स्टडीइंग हार्ड एंड प्लीज अपने डर से बाहर निकलो, बिकॉज डर के आगे जीत है. थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.